पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद पहुंचे आरएसएस के प्रचारक इंद्रेश ने आजम खान पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि आजम खान ने सारी नारी समाज का घोर अपमान करके जनधने अपराध किया है, उसने इस्लाम को भी बदसूरत किया है और उसका ये अपराध माफी के लायक नहीं है। मैं पहली बात कहूंगा कि ऐसे नेता को इस्लाम से वक्सत कर देना चाहिए और जैसे जनधने अपराध करने वाले और लोगों के चुनाव लड़ने की व्यवस्था नाजायज होने चाहिए और पार्टियों को चाहिए कि ऐसे लोगों को पार्टी से खारिज कर देना चाहिए। मुरादाबाद पहुंचे इंद्रेश जी ने कहा कि आज इस देश को सब लोगों को बुनियादी तालीम मिलनी चाहिए, वतन की मोहब्बत की भी तालीम मिलनी चाहिए और उसी के साथ तहजीब की भी तालीम मिलनी चाहिए। वर्तमान सरकार ने किनवन स्टोक पूरे अल्पसंख्यक समुदाय पर कुछ कट्टर पंथियों ने इन्हें पीछे धकेल दिया है। ऐसा है, आज इस देश को सब लोगों को दुनियावी तालीम मिलनी चाहिए, वतन की मोहब्बत की भी तालीम मिलनी चाहिए और उसी के साथ साथ तहजीब की तालीम मिलनी चाहिए। वर्तमान सरकार ने इन वन स्ट्रोक पूरे अल्पसंख्यक समुदाय को शिक्षित करने के लिए एक नारा दिया, एक हाथ में कुरान दूसरे में कंप्यूटर, पर कुछ कट्टरपंथियों ने आधुनिकीकरण का विरोध करके मदरसों को और उनमें पढ़ने वालों को फिर से पिछड़ेपन में ढकेल दिया। मेरा यही कहना है, दीन की तालीम से इंसान बनो, दुनियावी तालीम से तरक्की करो, वतन की मोहब्बत की तालीम से ईमान वाले बनो, तहजीब की तालीम से भाईचारे वाले बनो। मदरसों में ये सारी तालीम दी जाए, इसी के लिए मैं आज इन सब के बीच में कहने आया हूँ, ताकि इस देश का हर आदमी एक अच्छा सच्चा हिंदुस्तानी बने, सब मजहबों में प्यार वाला बने, कहीं पर दंगे फसाद ना हो। ऐसा है, आजम खान ने सारी नारी समाज का घोर अपमान करके जघन्य अपराध किया है, उसने इस्लाम को भी बदसूरत किया है और उसका ये अपराध माफी के लायक नहीं है। मैं पहली बात कहूंगा कि इस जघन्य अपराध के लिए ऐसे नेता को इस्लाम से बर्खास्त कर देना चाहिए। दूसरा कहूंगा, ऐसे जिनकी जघन्य अपराध वाली भाषा है उनका चुनाव लड़ना भी नाजायज घोषित करने की व्यवस्था होनी चाहिए। पार्टी ने और गठबंधन ने ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी से खारिज कर देना चाहिए। ऐसा है कि जितनी भी ये बातें हैं, यह डेमोक्रेसी का, सेकुलरिज्म का और कॉन्स्टिट्यूशन का मर्डर है। पूज्य बाबा साहब का नहीं, इस देश के 125 करोड़ लोगों का अपमान है।